टू प्ले स्टेशन गेम्स आर कमिंग टू पीसी, वो कौन से गेम्स हैं जो आने वाले अगले 3 दिन में पीसी के अंदर? वो गेम है द फाइनल फैंटेसी 16, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। एक गेम आ रहा है 1.5 साल के बाद, एक गेम आ रहा है 2 साल के बाद पीसी पे, काफ़ी टाइम बाद। गेम कैसे, गेम में क्या है, क्या आप इसमें लगा पाओगे अपनी वो वाली जुगाड़, बताऊंगा यहाँ पे मैं आपको सब कुछ, क्या चीज़ें इसमें हैं, गेम कैसे होंगे, परफॉर्मेंस क्या है इसकी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपका पीसी कैपेबल है चलाने को ये गेम या पे नहीं, एक चल सकता है, करते हैं यहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस। हम चलते हैं हमारे स्टीम पेज पे, क्योंकि यहाँ पे जो गेम मेनली आ रहे हैं वो स्टीम पे ही आ रहे हैं। तो पर दोस्तों, यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक पीसी पे आने वाला है 19 सितंबर को। आपके सामने यहाँ पे देखो स्टीम पेज है, और यहाँ पे जो इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे देखो 19 सितंबर को आ जाएगा, 3 दिन बाद। यहाँ पे इसका प्राइस है 4000 रुपीज़। यह लिखा है कि रिक्वायर थर्ड पार्टी अकाउंट, आपको चाहिए बस एक PFN अकाउंट अपने रीजन का, बना लो ये होगा कनेक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब भी आप रेड डेड खोलते हो ना, वो जाता है सीधा कनेक्ट करता है आपका डेटा रॉकस्टार लॉन्चर पे, तो वहाँ पे यही होने वाला है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे कुछ वो तो है नहीं, तो चीज़ बढ़िया है। ये इसकी स्पेक्स हैं, ये है मिनिमम, ये है रिकमेंडेड स्पेक्स, इसकी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा है ना कम है। और ये जो गेम है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन एक इशू है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो एक गेम है, बताऊंगा अभी आगे। तो देख लो यहाँ पे चीज़ें सब क्लियर हैं, गेम फाइनली आ रहा है पीसी पे इतने टाइम बाद, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स बाद। तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है अब गेम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें थी सब आ चुकी हैं आपके सामने। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले गेम के बारे में, जिसका नाम है फाइनल फैंटेसी 16, जो कि नया गेम है। ये रहा, अब यहाँ पे जो गेम है ना, इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं, और ये हर्ट करता है गेमर्स को। ये गेम आएगा कल 17 सितंबर को, और इसका डेमो है फ्री, आप जाके ट्राई करो, इसका डेमो फ्री है, जो कि बढ़िया बात है। ये गेम आएगा 17 सितंबर को, और मुझे लगता है कि ये कल रात में अराउंड 9 PM लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस 3499 है, जो कि ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये चीज़ है, अब ये चीज़ कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग इसको सब्जेक्टिव मानते हैं कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, लेकिन आपके ऊपर है, और इसमें कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन जो इसकी स्पेक्स हैं वो थोड़ी सी शायद हैवी हैं, आप देख लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 16 GB रैम मिनिमम PS5 पे इतनी है, मिनिमम 16 GB यहाँ पे उतनी रखी है, 1070 है, 170 GB, और क्या लिखा है 30 FPS चलेगा आपके इस पे 1070 पे। तो सोच लो कि कितना ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे लिखा है SSD रिक्वायर्ड, VRAM 8 GB, बस लगने वाले हैं PC यूज़र्स के। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तरह से कॉन्सोल बेटर है प्राइस के अकॉर्डिंग। और यहाँ चले 2080 पे 60 FPS लिखा है, SSD चाहिए और 8 GB VRAM, जिनके पास है 4 GB VRAM उनका क्या होगा, चल उनका भी जाएगा, लेकिन वही बात है क्या चलेगा 30 FPS के आसपास, ये उससे भी कम, लैग करेगा बहुत ज़्यादा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोनों गेम कैसे, दोनों का रिव्यू क्या है। तो यहाँ पे मैंने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक खेला था आज से 1.5 ईयर पहले। अब गेम कैसा था, गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, उसमें सब कुछ था, स्टोरी, एक्शन, एडवेंचर, इमोशन, एंड इट वॉज वेरी एंगेजिंग। कॉम्बैट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, मतलब आप बोर नहीं होगे, ऐसा कॉम्बैट था। जो उसकी हाइप थी वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड थी उस टाइम पे, क्योंकि जो इसका गेम था पहला वाला पीसी क्वाल, जिसे मैं कहूँ गॉड ऑफ वॉर 2018, वो बहुत ही बढ़िया था, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा थी उस गेम से, रैग्नारॉक से। वो आया, उसने प्रूव कर दिया कि जो भी इसकी हाइप मची थी वो बिल्कुल सही थी। और यहाँ पे अब वो गेम पीसी पे आने वाला है 19 सितंबर को, तो आप जाओ बाय करो, खेलो अपने पीसी पे। जो उसकी स्पेक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, मैं कम नहीं कहूँगा, मतलब काम चल जाएगा ऐसा है, हाई है ना लो है, लेकिन ये है आपको मिलेगा एक प्लेबल गेम प्ले, ना कि उसको चाहिए एलन वेक 2 जैसी स्पेक्स। अब ये हम बात करते हैं द फाइनल फैंटेसी 16 के बारे में, इसका रिव्यू कैसा है। तो देखो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो गेम है FF16, ये गेम कुछ एरियाज में बेटर है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक से। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उसके फाइट सीक्वेंस है,
जो एनिमेशन है, जो स्टोरी है, आपको देता है बिल्कुल एक एनिमे टच। एक बॉस आता है, लगता है ये लास्ट फाइट है, नहीं है वो, फिर एक और बॉस आता है और ये बॉस की फाइट चलती रहती है। एक टाइम पर लगता है आपको ये फीलिंग है एनिमे की, यही होता है एनिमे में। एक बॉस आया, मार दिया, अगला सीजन आया, उसका बॉस आया, मार दिया, तो वहाँ पे यही होता है इसमें। ये इसकी बेस्ट चीज़ है। अब मान लो यहाँ पे एक बॉस है, आपने उसको मार दिया, उसकी पावर आ गई आपके पास, फिर आप ग्रो होते रहते हो थ्रू आउट द गेम, या मैं कहूँ लाइक शोनन एनिमे। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल लो, एक बॉस है, उसको मैंने मार दिया, उसकी पावर आ गई मेरे पास, तो ये थ्रू आउट द गेम इम्प्रूव होता रहता है। जैसे मैं कहूँ किसी भी शोनन एनिमे, जैसे कि गोकू है, नरूटो है, लूफी है, इस तरह से, और ये देता है आपको गेम प्रॉपर एनिमे वाइब। और मैं कहूँगा गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और गॉड ऑफ वॉर की टक्कर का है, तो आप इसको इग्नोर मत करना प्लीज़, मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी इसकी हाइप है काफ़ी ज़्यादा कम है इन कम्पेयर टू गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। ऐसा क्यों है? गेम देखो माना कि फाइनल फैंटेसी का है, लेकिन मतलब ये नहीं है वो गेम उसी सीरीज का है। ये गेम अब तक के जितने भी FF के गेम आए हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसका कॉम्बैट देख लो, बहुत अलग है पिछले गेम से। इट्स अ प्रॉपर हैक एंड स्लैश एक्सपीरियंस। यहाँ लोग कहेंगे ये गेम बिल्कुल लगता है कॉपी DMC का, ऐसा नहीं है, वो कॉपी बिल्कुल नहीं है, बस वो हैक एंड स्लैश है, लेकिन उससे कई गुना बेटर है, कई गुना। और यहाँ पे जो नंबर है 16, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक सिक्वल है, ये बिल्कुल एक स्टैंड अलोन गेम है। आपने अगर इसके पुराने गेम नहीं खेले ना, 15, 7, 7 रीबर्थ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गेम की स्टोरी बिल्कुल अलग है। तो मैं कहूँगा आपसे कि आप गेम को खेल सकती हो, गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और मैं लिख के दूंगा आपको कि आपको गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक से ज़्यादा FF फाइनल फैंटेसी 16 ज़्यादा पसंद आएगा। नहीं आया देन आई विल डिलीट दिस वीडियो। हाँ, यहाँ पे यही थी सारी इन्फॉर्मेशन गेम को लेके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। करें प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, और मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ मिलेगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग सर्विस, PC रिलेटेड डिस्कशन, प्लेस्टेशन रिलेटेड डिस्कशन, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इशू हो आपके प्लेस्टेशन का, PC का, या फिर किसी भी गेम की बात करनी हो, जाके ज्वाइन करो, और आपको वहाँ पे गेम्स भी मिल सकते हैं रेंट पे।